कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रताप सिंह। तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले आई इंडिया ने ब्लॉक प्रमुख पदों पर आरक्षण की एक संभावित सूची का प्रकाशन किया था, लेकिन अब उसके आंकड़े बदल चुके हैं और जो अब जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये हम आपको संशोधित संभावित आरक्षण की सूची से अवगत कराने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आई इंडिया हमेशा से विश्वसनीय खबरों को आप तक पहुंचाता है, तो इस बार भी हमने यह निर्णय लिया है कि जो अब हमें जानकारी मिली है, जो अब हमने आंकड़ों पर जो जुटाकर और जो शासनादेश है आरक्षण का, उसको लेकर जो ये पैनल है उसने जो संभावित संशोधित आरक्षण की जो सूची ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए तैयार की है वो हम लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम यह भी बता दें कि सीतापुर के 19 विकास खंडों में जो आरक्षण की सूची है या जो आरक्षण संभावित आरक्षण इस बार लागू होगा वो अगर हम बात करें तो पहले जैसा ही रहने वाला है। हालांकि सीटें ज़रूर बदल जाएंगी, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें 2015 की, वर्ष 2015 में जो जिले में 19 विकास खंडों में आरक्षण की स्थिति बनी थी उसको भी आपके सामने लाने जा रहे हैं। सीतापुर में एससी के लिए 3 ब्लॉक प्रमुख के पद आरक्षित किए गए थे, इसके अलावा एससीएल के लिए यानी एससी महिला के लिए 2 और पिछड़ी जात ओबीसी के लिए 3 पद और ओबीसीएल यानी कि पिछड़ी जात महिला के लिए 2 पद आरक्षित हुए थे। साथ ही अनारक्षितों में 6 सीटें थीं और 3 सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थीं। तो आपको बता दें कि यही स्थिति फिर से रहने वाली है, लेकिन ब्लॉक वार अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ उलटफेर होने की संभावना है। इसको लेकर बाकायदा ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। जो शासनादेश आया है उसके मुताबिक जिले के अधिकारी ब्लॉक के अधिकारी कार्य कर रहे हैं। आज बाकायदा इसको लेकर एक बैठक भी आयोजित हुई और जो आरक्षण की जो सूची तैयार करनी है जिन अधिकारियों को ब्लॉक स्तर के और जिला स्तर के, उनका एक प्रशिक्षण भी जो नवागत सीडीओ आए हैं अक्षत वर्मा उन्होंने दिया है। तो हम चलेंगे सबसे पहले जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे जो ब्लॉक प्रमुख पद का संशोधित संभावित आरक्षण है वो हमें बताएंगे कि रेउसा ब्लॉक से शुरुआत करेंगे, वहाँ क्या रहने वाला है। आपको बता दें कि जो है रेउसा ब्लॉक है, यहाँ पे पहले जो संभावित आरक्षण तय हुआ था ओबीसी आरक्षित हुआ था, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे बदलाव काफ़ी सीटें बदल गई हैं। लेकिन रेउसा की बात करें तो रेउसा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अन्य ब्लॉकों में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। यानी रेउसा का जो ब्लॉक प्रमुख पद है इस बार, पिछली बार ये अनुसूचित जात महिला के लिए आरक्षित था, 2021 में ये पिछड़ी जात के लिए आरक्षित होने की संभावना है, ये जयंत श्रीवास्तव ने हमें बताया। अब हम चलेंगे बिसवा और वहाँ का जानेंगे कि ब्लॉक प्रमुख का पद जो है इस बार क्या आरक्षित होने वाला है, किसके खाते में जाने वाला है। उदय प्रताप, बिसवा की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो हम लोगों ने संभावना जताई थी कि ये सीट सामान्य महिला के खाते में जा सकती है, इसमें संशोधन नया ये हुआ है कि बिसवा की सीट अब सामान्य के खाते में जाती नज़र आ रही है। तो बिसवा जो है ब्लॉक प्रमुख का पद 2015 में भी सामान्य कोटे के लिए आरक्षित था और 2021 में भी सामान्य कोटे के लिए जा सकता है, ऐसी संभावना जताई गई है। अब हम चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे पिसावा ब्लॉक प्रमुख पद का हाल। आपको बता दें कि पिसावा ब्लॉक में पिछली बार संभावित जो सीट आंकड़ों के आधार पर नज़र आ रही थी वो महिला थी, लेकिन अब जो नए आंकड़े आ रहे हैं उससे सीट बदल रही है। अब जो सेम सामान्य सीट होने के चांसेस बन रहे हैं। यानी पिसावा ब्लॉक प्रमुख का पद 2015 में भी सामान्य में था और 2021 में भी
सामान्य रहने की आशंका जताई जा रही है या संभावना जताई जा रही है, ये हमें जयंत श्रीवास्तव ने बताया। अब हम चलेंगे उदय प्रताप के पास, जानेंगे खैराबाद ब्लॉक का हाल। खैराबाद ब्लॉक की बात करें तो हम लोगों ने जो पहले संभावना जताई थी उसमें कोई भी बदलाव इस बार भी होता नज़र नहीं आ रहा है। ये सीट सामान्य के खाते में ही रहेगी, रह सकती है। तो खैराबाद ब्लॉक प्रमुख का पद जो 2015 में महिला के लिए आरक्षित था, सामान्य महिला यानी, इस बार या 2021 में सामान्य के लिए आरक्षित रहने की संभावना है। ऐसी संभावना जताई गई है कि खैराबाद ब्लॉक प्रमुख का पद 2021 में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया जा सकता है। अब हम चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे रामपुर मथुरा ब्लॉक का हाल। आपको बता दें कि जो पिछली बार संभावित जो आंकड़े पेश किए गए थे उसमें ये सीट जो थी ओबीसी महिला के लिए जाती हुई दिख रही थी, लेकिन इस बार जो नए आंकड़े मिले हैं उससे ये सीट जो है ओबीसी के खाते में जाने की संभावना है। तो रामपुर बतुरा ब्लॉक जो था 2015 में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित जो सीट थी, इस बार ये पिछड़ी जात के लिए आरक्षित की जा सकती है, ये हमें बताया गया है। और इस तरीके से हम आपको ब्लॉकों का हाल बता रहे हैं जहां ब्लॉक प्रमुख पदों पर आरक्षण की सूची तैयार हो रही है। जो शासन से गाइडलाइंस है जो 2011 की जनगणना के अनुसार, साथ ही चक्र अनुक्रम के साथ जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जानी है उसी के मुताबिक इन ब्लॉकों में क्या हाल बनने वाला है इसकी हम संभावना जता रहे हैं। हालांकि इस पर आखिरी मोहर प्रशासन स्तर से जो तैयारियां चल रही आरक्षण की वहां से लगकर आएगी, लेकिन हम संभावना जता रहे हैं कि ऐसी सीट हो सकती है जिसके खाते में फला सीट जा सकती है। तो इसके बाद हम सीधा चलेंगे बेहटा ब्लॉक और जानेंगे उदय प्रताप से कि वहां का क्या हाल रहने वाला है। बेहटा ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो आई इंडिया ने संभावना जताई थी कि बेहटा की सीट संभवतः सामान्य के खाते में जा सकती है, वो हम लोगों की संभावना इस बार भी यथावत बनी हुई है। इस सीट पे कोई संशोधन होता नज़र नहीं आ रहा। तो बेहटा ब्लॉक पर इस बार जो है सामान्य वर्ग के लिए सीट जा सकती है। आपको बता दें कि 2015 में ये सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित हुई थी और इस बार सामान्य वर्ग के खाते में जा सकती है, ये जानकारी हमें उदय प्रताप ने दी है। इसके अलावा अब हम चलेंगे मछरेटा और वहाँ का हाल जानेंगे जयंत श्रीवास्तव से, क्या रहने वाला है इस बार। आपको बता दें कि पिछली बार जो है मछरेटा एससी के एससी सीट होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन जो नए आंकड़े आ रहे हैं उससे इस सीट में परिवर्तन होते दिख रहा है। इस बार जो है ये सीट जो है ओबीसी के खाते में जाने की संभावना बन रही है। तो मछेटा ब्लॉक प्रमुख का जो पद है इस बार ओबीसी के खाते में जा सकता है, ऐसी संभावना ज़्यादा बनी हुई है। जबकि 2015 की अगर बात करें तो अनुसूचित जात के लिए सीट आरक्षित हुई थी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये ओबीसी के लिए ये आरक्षित होने जा रही है, जो पिछले 5 चुनावों में पहली बार ऐसा होगा जब वो ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। अब हम चलेंगे एलिया ब्लॉक और जानेंगे उदय प्रताप सिंह से कि वो सीट किस खाते में जाने की ज़्यादा संभावना है। अहिल्या ब्लॉक की सीट पर भी जो हम लोगों ने पिछली बार संभावना जताई थी, हमारी संभावना उस पर भी यथावत बनी हुई है। इस बार भी ये सीट इस बार भी सामान के खाते में ही जाती दिखाई दे रही। तो आई इंडिया ने पहले ही संभावना जता दी थी कि एलिया ब्लॉक की सीट सामान्य वर्ग के खाते में जा सकती है और ये सामान्य वर्ग के खाते में जाने की ज़्यादा संभावना बनी हुई है। हालांकि 2015 में भी ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी और 2021 में भी यही हाल रहने वाला है, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा जताई जा रही हैं। अब हम चलेंगे महोली ब्लॉक और जानेंगे जयंत श्रीवास्तव से वहाँ का हाल क्या रहने वाला है। महोली ब्लॉक का जो पद था वो संभावना जताई गई सामान्य पद कोटे में जाने की संभावना थी, लेकिन जो नए आंकड़े आ रहे हैं इससे ये सीट जो है अब जो है अनुसूचित जात कोटे में जाती हुई दिख रही। तो महोली ब्लॉक प्रमुख का पद अब अनुसूचित जात के कोटे में जा सकता है, यानी अनुसूचित जात के लिए सीट आरक्षित की जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर यहाँ बात करें हम 2015 की
तो यहाँ ये पिछड़ी जाति महिला के लिए सीट आरक्षित हुई थी, लेकिन 2021 में ये अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की जा सकती है। अब चलेंगे हरगांव ब्लॉक और उदय प्रताप सिंह से जानेंगे कि किस खाते में ये सीट जाने की संभावना इस बार है। ब्लॉक हरगांव की बात करें तो पिछली बार जो संभावना जताई गई थी वो सामान के खाते में इसके जाने की संभावना थी, लेकिन इस बार जो संशोधन नज़र आ रहा है ये सामान के खाते से निकल करके अनुसूचित जात महिला के खाते में जाती दिखाई दे रही। तो हरगांव का हाल बताया उदय प्रताप ने, जहां पर ये पिछले 2015 में पिछड़ी जात महिला के लिए सीट आरक्षित थी, लेकिन 2021 में ये अनुसूचित जात महिला के खाते में सीट जा सकती है, यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित की जा सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। अब अगर हम बात करें गुंदला मऊ ब्लॉक की और जानेंगे जयंत श्रीवास्तव से कि यहाँ का हाल क्या रहने वाला है। आपको बता दें कि गुंदला मऊ ब्लॉक का जो पद है वो SC के कोटे में जाने की संभावना जताई गई थी, लेकिन नए आंकड़े के मुताबिक अब ये सीट बदलती हुई दिख रही है। ये पहली बार होगा कि जहाँ गुंदला मऊ ब्लॉक का पद जो है OBC महिला के खाते में जाने की संभावना बन रही है। तो गुंदला मऊ ब्लॉक पर जो है पिछली बार गुंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख पद का जो सीट थी वो 2015 में अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हुई थी, लेकिन 2021 में ये सीट पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित किए जाने की ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। अब हम चलेंगे सिदौली विकासखंड और वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित किया जा सकता है, जानेंगे उदय प्रताप सिंह से। ब्लॉक सिदौली की बात करें तो पिछली बार जो हम लोगों ने संभावना जताई थी वो ये सीट SCL के खाते में जाने की संभावना जताई गई थी। हालांकि इसमें कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन आंशिक परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है कि ये इस सीट अनुसूचित जात के खाते में जा सकती है। यानी जो सिदौली ब्लॉक प्रमुख का पद था वो 2015 में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था और 2021 में ये अनुसूचित जात के लिए आरक्षित किया जा सकता है। अब चलेंगे हम परसेंडी और जानेंगे जयंत श्रीवास्तव से कि वहाँ पर क्या हाल रहने वाला है। परसेंडी में पिछली बार जो है संभावना जताई गई थी वो सामान्य वर्ग की जताई गई थी, लेकिन नए आंकड़े के मुताबिक ये सीट भी बदल रही है। ये सीट जो है अनुसूचित जात को कोटे में जाती हुई दिख रही है। तो परसेंडी ब्लॉक का हाल बताया आपने और वहाँ बताया कि ये सीट इस बार 2021 में अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की जा सकती है। चूंकि 2015 में ये सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी और इस बार अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की जा सकती है। अब हम चलेंगे कसमंडा और जानेंगे उदय प्रताप से कि वहाँ पर आरक्षण की क्या स्थिति बनने वाली है। ब्लॉक कसमंडा की बात करें तो पिछली बार जो संभावना जताई गई थी इस सीट की वो अनुसूचित जात की जताई गई थी, तो ये सीट इस बार जो नए आंकड़े निकल के सामने आए हैं कसमंडा ब्लॉक प्रमुख की सीट अनुसूचित जात महिला के खाते में जाती दिखाई दे रही। तो कसमंडा का हाल बताया, जो 2015 में ये सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई थी सीट और 2021 में ये अनुसूचित जात महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। अब अगर हम बात करें लहरपुर ब्लॉक की, जयंत श्रीवास्तव यहाँ क्या हाल रहने वाला है। लहरपुर की बात करें तो पिछली बार जो है आई इंडिया ने महिला सीट जाने की संभावना जताई थी, इस बार भी कोई बदलाव होते हुए नहीं दिख रहा है, यथावत बने रहने की। तो आई इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि महिला के लिए ये सीट आरक्षित की जा सकती है, यानी 2021 में लहरपुर ब्लॉक प्रमुख का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ 2015 की अगर बात करें तो 2015 में ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। अब हम चलेंगे मिश्रिख और जानेंगे उदय प्रताप से हाल की वहाँ पर आरक्षण की क्या स्थिति रहने वाली है। ब्लॉक मिश्रिख की संभावनाएं जो नए आंकड़े आए हैं उस हिसाब से इस पर काफ़ी उलटफेर होता नज़र आ रहा है। पिछली बार जो आई इंडिया के पैनल ने संभावना जताई थी ये सीट SCL यानी अनुसूचित जात महिला के खाते में जाती दिखाई दे रही थी, लेकिन नए आंकड़ों के हिसाब से ये सीट अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में जाती नज़र आ रही। तो मिश्रिख जो 2015 में अनुसूचित जात के लिए सीट आरक्षित हुई थी, 2021 में
ये पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है, ऐसी संभावना ज्यादा है। अब हम चलेंगे सकरन ब्लॉक, जानेंगे जयंत श्रीवास्तव से वहाँ स्थिति क्या बनने वाली है। सकरन ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे इंडिया ने ओबीसी सीट होने की संभावना जताई थी, लेकिन इस बार जो नए आंकड़े आ रहे हैं इससे वहाँ पे जो है ये सीट महिला के खाते में दिख रही। तो सकरन ब्लॉक जो 2015 में ओबीसी के लिए आरक्षित हुई थी, इस बार 2021 में ये सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब हम चलेंगे महमूदाबाद ब्लॉक और उदय प्रताप से जानेंगे कि ये सीट किसके खाते में जा सकती है। महमूदाबाद ब्लॉक पर भी जो है नए आंकड़ों के हिसाब से उलटफेर नज़र आ रहा है। पिछली बार जो हम लोगों ने संभावना जताई थी ये सीट अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में जाती दिखाई दे रही थी संभावना के हिसाब से, नए आंकड़ों के हिसाब से ये सीट सामान्य महिला के खाते में जाती नज़र आ रही। तो सामान्य महिला के खाते में महमूदाबाद ब्लॉक प्रमुख के पद की सीट आरक्षित की जा सकती है, ऐसी संभावना ज़्यादा बनी हुई है। अगर यहाँ बात करें 2015 की तो ये ओबीसी के लिए आरक्षित की गई थी। अब हम चलेंगे सीतापुर के आखिरी और 19वें ब्लॉक खंड विकास खंड यानी पहला, और जानेंगे जयंत श्रीवास्तव से कि वहाँ आरक्षण की क्या स्थिति बनने वाली है। आपको बता दें कि पहला ब्लॉक में जो है आईडिया ने ओबीसी सीट होने की संभावना जताई थी, लेकिन अब की बार जो नए आंकड़े आ रहे हैं उससे ये सीट बदल रही है, ये सीट जो है अब सामान्य के कोटे में जाती हुई दिख रही है। तो पहला ब्लॉक प्रमुख का पद 2015 में ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ था, लेकिन इस बार ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की जा सकती है। तो इस तरीके से सीतापुर के 19 विकास खंडों में जो संशोधित संभावित आरक्षण की जो सूची तैयार होनी है हमने आप तक पहुंचाई है। इसके मुताबिक एक संभावना जताई गई है कि कौन सा ब्लॉक किसके लिए आरक्षित किया जा सकता है। फिलहाल ये संभावना ही है, इस पर आखिरी मोहर जिला प्रशासन को लगाना है और आरक्षण अभी 1-2 मार्च के बीच आने की संभावना है, क्योंकि जब आरक्षण की सूची 1-2 मार्च तक आएगी उसके बाद आपत्तियों का उस पर लगेंगी और फिर फाइनल जो है सूची वो 14 तारीख तक आएगी। हम बात करेंगे इसके लिए जयंत श्रीवास्तव से और जानेंगे कि लोगों को जो बेसब्री से इंतज़ार है, अभी जो आरक्षण की जो तैयारियां चल रही हैं, खासकर हर कोई जानना चाहता है, अभी चूँकि प्रधान पदों पर आरक्षण होना शेष है, जिला पंचायत सदस्य के पदों पर आरक्षण होना शेष है, प्रधान के अलावा अगर बात करें तो ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी और पंच, तो 4 ऐसे पद हैं जिन पर अभी आरक्षण की सूची बननी शेष है। अभी तक सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण आ चुका है, जिसके मुताबिक सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जात महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तो जयंत श्रीवास्तव जी ये बताइए कि कब तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और क्या इस समय तैयारियां प्रशासन कर रहा है। प्रशासन जो है आरक्षण सूची तैयार करने के लिए ब्लॉकवार आज प्रशिक्षण दिया गया है, इसमें सभी एडीओ पंचायत ब्लॉक प्रमुख इन सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से वो सीटवार आरक्षण तय करेंगे। इसके बाद जो है 2-3 मार्च के बीच में ये प्रस्तावित सूची तैयार की जाएगी, उसका फाइनल प्रकाशन होगा, प्रकाशन के बाद जो है आपत्तियां मांगी जाएगी, आपत्तियां करने स्वीकार करने के बाद उनका डीएम द्वारा गठित जो है 3 सदस्यीय टीम है वो उसका मूल्यांकन करने के बाद उनका निस्तारण करेगी, निस्तारण करने के बाद जो है 14-13 मार्च को सूची का फाइनल प्रकाशन होगा, प्रकाशन होने के बाद जो है 15 मार्च को ये सूची जो है निदेशालय को भेज दी जाएगी। तो 15 मार्च को ये सूची जो है निदेशालय भेज दी जाएगी यानी आरक्षण की, और ये हाल हमें बताया जयंत श्रीवास्तव ने। उदय प्रताप सिंह ये बताइए कि अपने दर्शकों को कि जो 3 सदस्यीय कमेटी है उनमें कौन कौन लोग हैं, और आज जो CDO ने बैठक की है उसमें जो प्रशिक्षण को लेकर के वो क्या निर्देश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी जो जिलाधिकारी महोदय ने गठित की है,
इसमें अपर जिला पंचायत राज अधिकारी इंद्र नारायण सिंह को शामिल किया गया है। इसके अलावा सहायक विकास अधिकारी सिधौली चंद किशोर वर्मा और सहायक विकास अधिकारी परसेंडी रामपाल वर्मा इस समिति में शामिल हैं। इसके अलावा जो आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को, प्रशिक्षण में उन्हें ये बताया गया है कि सीटवार किस तरह से आरक्षण सूची तैयार की जानी है। प्रशिक्षण के बाद जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं वो आरक्षण की सूची दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करेंगे। तो नवागत CDO अक्षत वर्मा ने बैठक कर प्रशिक्षण दिया है ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारियों को, जिसमें BDO ADO और जिला पंचायत राज अधिकारी शामिल थे। उन्हें यह बताया गया है कि कैसे सीटवार आरक्षण की सूची तैयार की जाए। तो आपको बता दें कि जिसका सभी को इंतजार था, यानी गांव की सरकार बनाने का जो लोग इंतजार कर रहे थे, उसकी घड़ियां धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही हैं। सबसे पहले जैसे ही आरक्षण तय हो जाएगा, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग लड़ सकते हैं और कौन नहीं। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, अभी उसमें समय है। फिलहाल ज़्यादातर लोगों की निगाहें आरक्षण को लेकर लगी हुई हैं, तो अब धीरे धीरे उनका इंतज़ार खत्म होता जा रहा है। आपको सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख पदों के जो संशोधित संभावित आरक्षण की सूची है वो आप तक पहुंचाने का काम आई इंडिया ने किया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही जिला पंचायत सदस्य पद और प्रधान पद के आरक्षण की जानकारी हमें मिलेगी, या हम लोग आंकड़ों के हिसाब से जो भी उस पर मनन कर उसकी तैयारी कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार। स्टूडी IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।